आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी का, पानी और पूरी दोनों। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग रेसिपी में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पानी पूरी का पूरी बनाने के लिए, पानी के बतासे बनाने के लिए एक कटोरी हम आटा लेंगे। उसके बाद लेंगे हम इतना आटा लेंगे, उससे थोड़ा सा कम हम सूजी लेंगे और उसको आटे के साथ मिला देंगे। हमने सूजी और आटे को दोनों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम आधे चम्मच से भी कम एक थोड़ा सा कुकिंग सोडा डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद इसका हम आटा गूंथेंगे, ना ज़्यादा गीला होगा ना ज़्यादा टाइट होगा, मीडियम आटा गूंथ लेंगे हम इसका। ये आटा गूंथने के बाद हम 2 मिनट और इसे गूंथ लेंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। आटा हमने अच्छे से गूंथ लिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए गीले कपड़े में मुंह ढक कर रख देंगे ताकि ये इसका जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। अब हमारा आटा तैयार है, अब इसकी हम लोई बनाएंगे। ये हमने लोई बना ली है, अब इसको हम बेलेंगे इतने एकदम पतली पतली, रोटी जितनी बनाई जाती है उससे भी पतली इसे बेल लेंगे। ये हम इसको एकदम पतली, रोटी से भी पतली बेलेंगे ताकि हमारी जो पूरी है वो काफी अच्छी पतली होने की वजह से फूलेगी। ये देखिए हमने बेल करके अब इसे काट लिया है, एकदम किसी भी सांचे से आप, किसी भी या ग्लास से आप चाहें तो इसे काट सकते हैं। अब इसे हम निकालेंगे तेल को, अब तेल देख सकते हैं ये हमने थोड़ा सा तेल लिया हुआ है एक एक निकालने के लिए। अब क्या करेंगे इसमें हम इसको एकदम खर कर लेंगे, जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे तब तक। देखिए हमारा तेल एकदम खर हो चुका है, अब इससे हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। अब इसमें हम पूरी डालेंगे और पूरी पकाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी फूल रही है और देखिए किसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। ऐसे ही आपको सारी पूरियां बेल लेनी है और निकाल लेनी है। ध्यान रखें पानी पूरी की, पूरी बनाते वक्त पूरी को बनाते हुए गीले कपड़े पर रख कर ढकते जाएं ताकि वो सूखने ना पाए, और सारे आटे की पूरी बनाकर फिर उसे तलें और साथ में ही उसे अखबार पर रखें, बाहर ना रखें। उसके बाद हम बनाएंगे अब अपना पानी। तो पानी के लिए जलजीरा लेंगे, आधा कप अदरक, आधा कप मिर्च और थोड़ी सी धनिया, और उसके बाद पुदीना और 1 चम्मच नमक। और अब हम इसको ग्राइंडर में डाल करके उसमें डालेंगे 1 चम्मच जलजीरा और उसमें ही डालेंगे थोड़ा सा हम पानी, और पानी डालकर हम इसे ग्राइंड करने के लिए छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं हमारी चटनी अब तैयार है या मसाला तैयार है। इसे हम स्वाद अनुसार पानी में मिला करके और फिर इसे अपने पानी पूरी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि हमारा पानी जितना टेस्टी होगा उतना ही पानी पूरी खाने में अच्छा लगेगा। तो हम पानी पूरी को नॉर्मल भी खा सकते हैं, उसमें दही और नमक मिर्च और प्याज डालकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।